दोस्तों जिस कदर गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, आप सनी देओल सर को गदर 3 भी लाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़ के एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, जो कि आज तक किसी फिल्म ने भी नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, गदर 2 फिल्म जो कारनामे करके दिखा रही है, आज तक बिल्कुल भी किसी फिल्म ने भी नहीं कर पाया। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 26वां दिन चल रहा है और दोस्तों अभी भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि गदर 2 फिल्म अपने पूरे 26 दिनों में इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए की कलेक्शन कर चुकी है। तो वही दोस्तों, फिल्म आज के दिन इंडिया और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए की गरीब कमाई करने वाली है। तो दोस्तों बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामे करके दिखा रही है, जो आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, की गदर 2 फिल्म इस कदर कमाई करने वाली है। अगर दोस्तों आप लोगों से कोई पूछे कि बॉलीवुड में हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल खुल के बताइए कि गदर 2 फिल्म। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गदर 2 फिल्म हिंदी भाषा में पठान का रिकॉर्ड, प्रभास की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड और यास की केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी का रिकॉर्ड गदर 2 फिल्म अपने नाम कर चुकी है। गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके वो बड़ी इतिहास बना रही है कि दोस्तों जिनका टूटना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। जिस तरह गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर तूफानी कमाई कर रही है, दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि ऑडियंस का 22 साल का इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, 22 साल ऑडियंस इस फिल्म को लेकर इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि गदर 2 फिल्मों को लेकर किस कदर बर्ज बना हुआ, ऑडियंस इस फिल्म को लेकर किस कदर एक्साइटेड और किस कदर चाहने वाले हैं। फिल्म को आज सिनेमा घरों में रिलीज हुए 26वां दिन चल रहा है और आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई करती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आप लोग इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को लेकर किस कदर एक्साइटेड है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। आप लोग इससे पता लगा ही सकते हैं कि गदर 2 फिल्म का किस लेवल पर बर्ज बना हुआ है। और तो और दोस्तों, जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तब तो फिल्म के सारे शोज हाउसफुल होते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक भी शोज खाली नहीं थे और ऑडियंस को फिल्म की टिकट ही नहीं मिल रहे थे। लाखों ऑडियंस ऐसे भी थे कि दोस्तों सिनेमा घरों में जाकर भी टिकट्स के ना मिलने पर अपनी घर की तरफ लौट पड़े। कुछ तो दोस्तों फिल्मों को देखने के लिए 6 दिन 7 दिन तक इंतजार किए थे, तब जाकर ऑडियंस इस फिल्म को देख पाया। और तो और कुछ दिन तक इस फिल्म के टिकट्स को ब्लैक में सेल किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, जब फिल्म की शोज हाउसफुल होते हुए नजर आया तो ऑडियंस से रहा नहीं गया और फिल्म के टिकट को ब्लैक में परचेस करने लगे। जहाँ फिल्म के टिकट्स का प्राइस 200-250 रुपया था, वहाँ फिल्म के टिकट्स को 1,000 और 1,500 रुपया में सेल किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, और तब भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए इस कदर एक्साइटेड थे कि सिनेमा घरों के बाहर लाखों भीड़ लग रहे थे। और आज फिल्म के रिलीज हुए सिनेमा घरों में 26वां दिन चल रहा और दोस्तों अभी भी ऑडियंस की तरफ से सिनेमा घरों के बाहर लाखों भीड़ लग रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी फिल्म के सारे शोज हाउसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के 26वें दिन यानी आज के कलेक्शन को लेकर, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में फिल्म बनी थी जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब था और गदर 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। वहीं बता दें कि फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर लीड रोल में देखने को मिली थी। अगर आप लोग दोस्तों गदर 2 फिल्म देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा इन सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडियंस को किस तरह पसंद आ रहा है। वाकई में दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि सनी देओल सर की डायलॉग हमें बच्चे बच्चे के मुंह से सुनने को मिल रहा है। यही वजह कि दोस्तों और भी फिल्म का बर्ज बना हुआ है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी हुई है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दी कि फिल्म का हमें जो फर्स्ट डे कलेक्शन देखने को मिला था वो था इंडिया में नेट से 42 करोड़ 10 लाख रुपए। तो यही दोस्तों, फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका था अपने फर्स्ट डे पर ही 47 करोड़ रुपए ही करी। और उसके बाद दोस्तों इसी तरह गदर 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर तूफानी कमाई की और एक भी दिन फिल्म की कमाई में हमें गिरावट देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई दिन भी नहीं देखने को मिला जिस दिन गदर 2 फिल्म की कमाई में हमें गिरावट देखने को मिली। हर दिन फिल्म ने ताबड़तोड़ की कमाई की। वही 21वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ की कमाई की। बता दें कि 21वें दिन फिल्म का कमाई हमें इंडिया में नेट से देखने को मिला था 2 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब। वही फिल्म का हमें पूरे 21 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला था इंडिया में नेट से 482 करोड़ 45 लाख रुपए के करीब। तो दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका था अपने पूरे 21 दिनों में 631 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब। तो वही दोस्तों 23वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला डाला था। 23वें दिन फिल्म ने कमाए 5 करोड़ 72 लाख रुपए इंडिया में नेट से। तो दोस्तों 24वें दिन भी फिल्म ने काफी जम के कमाई की। 24वें दिन फिल्म ने कमाए 7 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया में नेट से। तो वही 25वें दिन भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर काफी शानदार की कमाई की थी। फिल्म ने कमाया 2.5 करोड़ रुपए इंडिया में नेट से। अगर वही बात करें फिल्म के 26वें दिन की यानी आज की कमाई को लेकर, तो दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को हिलाती हुई नजर आ रहा है। बता दें कि आज ये फिल्म इंडिया में नेट से 3 करोड़ 19 लाख रुपए के करीब कमाई करने वाली है। वही फिल्म का अपने पूरे 25 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है इंडिया में नेट से 506 करोड़ 85 लाख रुपए। तो वही फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिल रहा है अपने पूरे 25 दिनों का 521
81 करोड़ रुपए करीब। दोस्तों क्या आप लोग गदर 2 फिल्म देख चुके और आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना है, मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।